ऋषभ पंत नहीं बल्कि इसे करती है उर्वशी रौतेला पसंद। खुद उर्वशी ने उठाया सच से पर्दा, बोल दी बड़ी बात। उर्वशी रौतेला का दिल आ गया इस शख्स पर, ऋषभ पंत से भी ज्यादा करती है इसे प्यार। जैन मलिक को पसंद करती है उर्वशी रौतेला, बता दी इस अभिनेत्री ने सबको सच्चाई। पंत और जैन के बीच फंसी उर्वशी रौतेला, कौन है दोनों में बेहतर, उर्वशी नहीं कर पा रही फैसला। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उन खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिनकी खूबसूरत अदाएं इतनी ज्यादा हसीन हैं कि उनके ऊपर लोगों की नजर हटने का नाम नहीं लेती। हर किसी का यही कहना होता है कि उर्वशी से ज्यादा खूबसूरत अभिनेत्री पूरे बॉलीवुड में और कोई नहीं है। सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं, बल्कि ये खूबसूरत हसीना लगातार अपनी निजी रिश्तों की वजह से भी चर्चा में रहती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस खूबसूरत हसीना का नाम ऋषभ पंत के साथ जोड़ा जा चुका है। उर्वशी रौतेला के बारे में हर किसी का यही कहना होता है कि वो ऋषभ पंत के प्यार में दीवानी है और उनके बिना पल भर भी नहीं रह सकती। लेकिन खुद इस अभिनेत्री ने हाल ही में जिस शख्स का नाम लिया, उसे देखकर लोग ये कहने लगे कि उर्वशी ऋषभ पंत को नहीं बल्कि इस शख्स को ज्यादा प्यार करती है। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड में आखिर वो कौन सा शख्स है जिसके ऊपर अब उर्वशी रौतेला का दिल आ गया है और वो ऋषभ पंत से भी ज्यादा इस शख्स को प्यार करती है। उर्वशी रौतेला इन दिनों एक बार फिर अपने निजी संबंधों की वजह से लोगों के बीच चर्चा में आ गई है। आपको बता दें कि खूबसूरत हसीना हमेशा अपने निजी संबंधों की वजह से चर्चा में रहती है और हाल ही में एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसे देखकर सभी लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो ऋषभ पंत को नहीं बल्कि इस शख्स को प्यार करती है। दरअसल हाल ही में एक खूबसूरत अभिनेत्री ने मशहूर गायक जैन मलिक का नाम ले लिया और आइए आपको बताते हैं उर्वशी ने कैसे शख्स का नाम लेते हुए उनसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उर्वशी रौतेला के बारे में बीते कुछ समय से तो यही बात कही जा रही थी कि वो ऋषभ पंत को हद से ज्यादा चाहती हैं, लेकिन हाल ही में इस खूबसूरत अभिनेत्री ने खुद अपने मुंह से ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा। इस खूबसूरत हसीना से दरअसल हाल ही में जब उनका पसंदीदा कलाकार पूछा गया, तब सबको ऐसा लग रहा था जैसे यहां खूबसूरत हसीना ऋषभ पंत का नाम लेंगी, लेकिन इस खूबसूरत अभिनेत्री ने बॉलीवुड के मशहूर गायक जैन मलिक का नाम ले लिया और ये कहा कि वो उन्हें बहुत प्यार करने लगी है, इसी वजह से वो उनके पसंदीदा है। जिस किसी ने भी उर्वशी रौतेला के मुंह से इस शख्स की तारीफ सुनी, तब सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभिनेत्री का दिल अब जैन मलिक पर आ गया है और इसी वजह से उन्होंने खुलेआम इस बात का जिक्र सबके सामने कर दिया। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के नाम एक और खिताब दर्ज हो गया। एक्ट्रेस ने IWM बज अवार्ड 2023 में एक अवार्ड जीता। इस अवार्ड को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बात यह है कि पहाड़ी गर्ल उर्वशी रौतेला दुनिया भर में सबसे एलिजिबल बैचलर बन गई है। उन्होंने वर्ल्ड की मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट का अवार्ड जीता है। इंस्टाग्राम पर उर्वशी ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें शेयर की। साथ ही अवार्ड फंक्शन में उर्वशी के बटरफ्लाई लुक की जमकर तारीफें हो रही है। उर्वशी हाल ही में वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में नजर आई। इस सीरीज में एक्ट्रेस रणदीप हुड्डा की पत्नी का किरदार निभाया था। सीरीज के लिए उर्वशी को जमकर तारीफें मिली थी। ये सीरीज सुपरहिट रही। इंस्पेक्टर अविनाश की सक्सेस के बीच उर्वशी रौतेला के नाम एक और खिताब जुड़ गया। IWM बज अवार्ड 2023 में एक्ट्रेस को ग्लोबल लेवल पर मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट का अवार्ड मिला है। बेमिसाल खूबसूरती की मालकिन उर्वशी इस अवार्ड के लिए बेस्ट डिजर्विंग है। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस क्रिकेटर ऋषभ पंत को याद करने लगे। कुछ यूजर्स ने पूछा आखिर उर्वशी को ये अवार्ड किस क्राइटेरिया पर मिला है। वहीं ज्यादातर यूजर्स ऋषभ पंत को टैग करने लगे। कुछ हेटर्स ने उर्वशी को इसके लिए ट्रोल भी करना शुरू कर दिया और तंज किया कि अवार्ड के बाद भी ऋषभ पंत उर्वशी को भाव नहीं देंगे। IWM बज अवार्ड 2023 अवार्ड शो में उर्वशी काफी यूनिक लुक में पहुंची थी। एक्ट्रेस ने येलो और ग्रीन कलर की बटरफ्लाई ड्रेस कैरी की थी। इस वाइब्रेंट कलर में एक्ट्रेस ब्लैक सी खूबसूरत लग रही थी। वन शोल्डर गाउन को एक्ट्रेस ने पार्टी मेकअप और मिनिमम ज्वेलरी से कंप्लीट किया था। रेड कार्पेट पर उर्वशी अपने इस लुक को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई।